सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो एक नए से वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और फिलहाल मैं हूं बस स्टैंड पे, मैं जा रहा हूं सेंट्रल सिल्क बोर्ड, जो यहां से एटलीस्ट कितने किलोमीटर होगा, यहां से लगभग 40 किलोमीटर चूतिया सर 25-30 किलोमीटर का गाइस मेरे ख्याल से यहां पे। तो हम वहीं पर जा रहे हैं, तो अभी हम बस स्टैंड पर खड़े हुए देख सकते हो, यहाँ पर बस लगा है। तो अभी बस है नहीं, क्योंकि हम दोपहर का टाइम आए हैं, 2 बज रहा है। तो जैसे बस आएगा उसके बाद हम निकल लेंगे यहाँ से। तो हमें हम पास बनवाएंगे गाइस, क्योंकि हम कई जगह जाएंगे ना घूमने के लिए, तो देखते हैं पास बनवाएंगे उसके बाद जाएंगे। अभी हिब्बाल जाना है मुझे, तो हिब्बाल से पकड़ेंगे हम सेंट्रल सिल्क बोर्ड के लिए 500D बस। तो अभी देखते हैं क्या होता है रास्ते में गाइस, चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें घूमने के लिए। तो अभी जा रहे हैं वहीं पर, तो अभी हम यहाँ पर बस स्टैंड पर बैठे हैं। तो अभी हम तो गाइस बिना फोटो खींच रहा है, तो यार मैं इसलिए उठ के चले आया। तो अभी यहाँ से जाएंगे हम हिब्बाल, हिब्बाल से पकड़ेंगे 500D, जो वो हमें ले जाएगा सिल्क बोर्ड की तरफ। तो देखते हैं क्या रहता है गाइस। तो अभी बस लगा नहीं है यार, काफ़ी टाइम से खड़े हैं। तो जैसे बस आता है उसके बाद हम निकल लेंगे यहाँ से, तो मिलते हैं आगे। अभी तो भाई साहब बस में बैठ गया, फिर हमें बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि ये बस जाएगा नहीं, बोल रहे हैं कुछ टाइम बाद जाएगा। तो हम आ चुके हैं बाहर और देखते हैं कुछ दूसरे बस की तरफ। विनोद यहाँ पर, विनोद पहले उतर गया था, तो यार बहुत ही वो हो गया यार, देखते हैं कितने टाइम बाद मिलता है यार। तो भाई साहब फाइनली आधा घंटा बाद भाई मिल गया है बस हमको, और अब हम जा रहे हैं। अभी पास तो बना नहीं है, तो अभी आ रहे हैं, तो उसके बाद कल बनवाएंगे। तो भाई अभी हम हिब्बाल उतर चुके हैं और जा रहे हैं पैदल, पास कटा के भी पैदल जा रहे हो भाई। मजा आ रहा है पैदल चलने में, बहुत मजा आ रहा है। हम यार थोड़ा पहले उतर गए, तो इसके वजह से हम जा रहे हैं अभी बस स्टैंड के पास, ब्रिज के नीचे होगा। तो अभी हम चलते हैं वहीं पर, और यहाँ पर उस वही ट्रैफिक है। मॉल है मेरे घर से। तो गाइस काफ़ी टाइम बाद यार हम लोग पहुंच चुके हैं, और अभी राजू भाई आ रहे हैं लेने के लिए, जिससे हमारे से मिलने के लिए भाई। तो अभी आएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे भाई। तो हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं अभी, और ट्रैफिक तो काफ़ी ज़्यादा है, फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भाई यहाँ पर ये बस स्टैंड आगे जो अभी बन रहा है वैसे। गाइस टाइम हो रहा है अभी नौ, और अभी हम जस्ट पहुंचे हैं भाई साहब। अरे क्या बोलें यार, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आ गए हम, मतलब हमारा जाना वेस्ट हो गया समझो। तो अभी चल के रूम पर हम सब आपको बताते हैं क्या क्या हमारे साथ हुआ, कि मैंने मतलब कुछ वीडियो नहीं शूट कर पाया रास्ते में। तो अभी मैं सब कुछ बताऊँगा अभी चल के रूम पर। तो अभी देख सकते हो 9 बज गया गाइस, और रात भी हो गया है, तो हम क्या क्या हुआ सब बताऊँगा अभी रूम पर चल के। तो मिलते हैं अभी रूम पर। सो गाइस आई होप कि आप सब को वीडियो अच्छा लगा होगा, मतलब वीडियो में कुछ मिला नहीं होगा आप लोगों को, मुझे तो पता है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा ही कुछ हो गया था। तो मैं उसी के बारे में भी बात करूंगा कि हमारे साथ क्या हुआ था। और विनोद भाई यहां पर कुछ छिपा रहे हैं, तो दिखा दीजिए क्या छिपा रहे हो आप। निकालो निकालो जल्दी निकालो, चूरा खाते हैं, मुझे भी खाना है यार। तो गाइस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं शूट कर पाया वहाँ पर यार, क्योंकि बारिश बहुत तगड़ा होने लगा था, और शाम ना 5-6 बज गया था। तो इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बनाया था, और कोई रीज़न नहीं था गाइस कि ऐसा कुछ बंद था, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। बस ये था कि ना कि बारिश होने लगा था, और वीडियो में आपने देखा होगा थोड़ा बहुत बारिश दिख रहा था बस में जब मैं बनाया था। तो मुझे लग ही रहा था कि मैं शायद आज ब्लॉग नहीं शूट कर पाऊँगा, क्योंकि बारिश होने लगा। और जब बारिश होने लगा तो हम अपन मतलब राजू भाई के साथ चले गए रूम पर उनके, और अपना सामान लेकर तुरंत निकल आए, मतलब तुरंत निकल के आए। आधा एक घंटा वहाँ पर हमने थोड़ा रेस्ट किया, और फिर उनसे थोड़ा बातचीत किया, और उसके बाद हम निकल आए। बस पकड़ा था गाइस 7:00 सॉरी 7 बजे हमने बस पकड़ा था। तो गाइस हमको 2 घंटा लगा पूरे वहाँ से आने के लिए। तो वहाँ से हम सिल्क बोर्ड से बस पकड़े और हिब्बाल आकर उतरे। जब हिब्बाल में हम उतरे, हिब्बाल से भाई बस, हाँ हिब्बाल में तुरंत बस मिल गया था, 5-10 मिनट खड़ा होना पड़ा था हमको। तो बस वहाँ पर तुरंत मिल गया था, फिर वहाँ से हम
हब्बाल से तुरंत अपने रूम पर आ गए, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधा से आधा घंटा लगा होगा, है ना विनोद? आधा घंटा लगा था वहाँ से हब्बाल से। तो यही सब हुआ हमारे साथ यार, ब्लॉग नहीं शुरू कर पाया मैं, स्पेशली गया था मतलब सामान लाने में स्पेशली गया था क्योंकि हमारा सामान आ गया था, मतलब हमारे गाँव से लोग आए थे। तो यही सब हुआ और मैं एक जगह देखा था प्लेस, लेकिन मैं उस वहाँ पर जा नहीं पाया, टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा और फिर बारिश भी होने लगा, तो सोचा चलो किसी और दिन में शूट करूँगा। और अभी देख रहे हो विनोद पर बुकों को फैला रहे हैं, उनको सेट करना है ना, तो वही कर रहे हैं। तो विनोद अब कितना चाहते हो कल के बारे में, हमारा दिन वेस्ट हो गया है ना? बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया, अब मैं क्या बोलूँ। तो यही सब हुआ गाइस, और मेरा नेक्स्ट ब्लॉग मतलब वीडियो जल्दी आएगा, मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं निकल चुका हूँगा, जब आप ये वीडियो देख रहे होगा तो शायद मैं शूट कर रहा हूँगा, मतलब वीडियो मेरा शूट हो गया होगा, एडिटिंग बाकी होगा, तो मैं निकल जाऊँगा एक नई वीडियो की तरफ। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो अभी रात के बज रहे हैं भाई 10 बज गए, हमें पहुँचते पहुँचते 9 बज गया था यहाँ पर, मतलब रास्ते में तो वीडियो ही बनाया था। तो गाइस मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ, मैं जा रहा हूँगा दूसरे वीडियो की तरफ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और मेरा एक नया ट्रिप चालू होने वाला है, तो मैं उसके बारे में अगले वीडियो में जरूर बताऊँगा आप लोगों को। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो की तरफ।